घंटे की आधार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे प्रश्न उत्तर श्रृंखला में नए प्रश्नों को, और ये प्रश्न अलग तरह के हैं बिल्कुल। जैसे कि आप लोग शॉर्ट स्क्रीन शॉट को देख के ही समझ गए होंगे कि ये प्रश्न किस तरह के हैं, और भेजने वाले हैं गजेंद्र सिंह। तो चलिए पढ़ते हैं उनके पत्र को और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। गुरु जी को प्रणाम, मैं गजेंद्र सिंह अपने कुछ विशेष प्रश्नों के उत्तरों को वीडियो के माध्यम से लेना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे साथ साथ साधक भाइयों को भी सीख मिल सके। प्रश्न एक, गुरुजी ऐसे कौन से अस्त्र हैं जो पशुपात्र, ब्रह्मास्त्र और नारायण शस्त्र से भी अधिक शक्तिशाली हैं? गुरुजी अगर इंद्रजीत, मेघनाथ और कुंती पुत्र अर्जुन में युद्ध होता तो कौन हारता? गुरुजी इस ब्रह्मांड में अष्ट सिद्धियों से बढ़कर कोई और सिद्धि है या नहीं? गुरुजी अर्जुन ने जब उर्वशी को माँ के रूप में देखा तो उर्वशी ने अर्जुन को किन्नर होने का श्राप दे दिया। मैं कन्फ्यूज हूँ कि माँ रूप में सिद्ध किया जाए या पत्नी रूप में। गुरुजी आपने गुरु मंत्र का 9 लाख जाप करने के बाद कोई भी साधना करने को बोला है, अगर हम इसे 1.25 लाख संकल्प लेकर 9 लाख यदि पूरा कर लें तो वह मान्य होगा या नहीं होगा? गुरुजी मैंने नवरात्रों में गुरु मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जाप संकल्प लिया था और यह 7 दिन तो बहुत अच्छे से कट गए। 8वें दिन आंख नहीं खुली, जाप करते समय बहुत तेज नींद आ रही थी और उबासी आना, इसका क्या कारण है? तो यह प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इन्होंने पूछा है कि ब्रह्मास्त्र पार्श्वपतास्त्र और नारायणास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली कौन सा है। देखिए अगर आध्यात्मिक दृष्टि से मैं आपको बताऊं, और एक भौतिक दृष्टि होती है, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप समझते हैं तो निश्चित रूप से इन अस्त्रों में शक्ति नहीं होती है। जिस प्रयोजन के लिए इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है उस बात में जो है प्रभावशाली ये शक्तियां हो जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का पालन, संहार और उत्पत्तिकरण की शक्तियां हैं, उन देवताओं की शक्तियां इसलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती हैं। लेकिन बात यहां पर यह नहीं, बात यह है कि किस प्रयोजन से प्रयोग किया जा रहा है। यही तीन अस्त्र निष्फल हो जाते हैं, कई जगह निष्फल हो चुके हैं, तो क्या इन शस्त्रों में शक्ति नहीं है? उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जब तीन यही अस्त्रों का प्रयोग मेघनाथ ने भगवान राम पर, या यूं कहिए कि लक्ष्मण पर किया, तो ये उनको प्रणाम करके चारों तरफ जो है नमस्कार करके शांत हो गए। वहीं एक छोटा सा अस्त्र जिसका प्रयोग उन्होंने राम और कृष्ण लक्ष्मण पर किया और वो काम कर गया, जैसे कि जिसको हम जानते हैं कि एक अस्त्र था जिस अस्त्र के माध्यम से सर्प विद्या का प्रयोग उन्होंने किया था, तो उस एक शस्त्र के माध्यम से उन्होंने दोनों लोगों को बेहोश कर दिया। तो ये जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, इन शस्त्रों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रयोजन से किया जा रहा है, तो उस पर इसका चीजों का असर पड़ता है। इसीलिए कोई ऐसे नहीं कह सकते कि कौन सा अस्त्र बड़ा है, शक्ति अधिक शक्तिशाली, और इनसे अधिक शक्तिशाली कौन सा अस्त्र हो सकता है। प्रयोजन के हिसाब से ही अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग और उनका प्रभाव पड़ता है। तो ये जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं ये अपने प्रयोजन के लिए माने जाते हैं। हाँ, अगर इस हिसाब से देखा जाए कि कौन अधिक सबसे शक्तिशाली होगा, तो अगर संहार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो सबसे अधिक भगवान शिव का ही अस्त्र सबसे शक्तिशाली होगा सिद्ध, कारण क्योंकि वो संहार के ही देवता हैं, अगर तीनों अस्त्रों में अगर तुलना की जाए तो। हालांकि नारायण अस्त्र भी वही काम कर देगा, ब्रह्मास्त्र भी वही काम कर देगा, पार्श्वपतास्त्र अस्त्र भी वो काम कर देगा, लेकिन क्यों? क्योंकि जिसका जो कार्य होता है वही कार्य वो अच्छी तरह से सबसे ज्यादा करता है। तो सबसे ज्यादा संहार किस अस्त्र से होगा? तो अगर वो होगा तो वो पार्श्वपतास्त्र अस्त्र होगा, यानी भगवान शिव का कोई अस्त्र हो सकता है, वो त्रिन का त्रिशूल हो सकता है जो सबसे ज्यादा संहार करेगा। इसी प्रकार से आप इनसे भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र कौन हो सकता है? वो अस्त्र कोई भी शक्ति अस्त्र हो सकता है। माता का कोई भी अस्त्र या शस्त्र जो अपने विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाए वो इनसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जिसका विशेष रूप से निर्माण किया गया हो। अगर तीनों अस्त्रों को मिला लिया जाए तो वो शक्ति अस्त्र होगा, यानी ब्रह्मास्त्र, पार्श्वपतास्त्र और नारायणास्त्र तीनों मिल जाएंगे एक साथ, क्योंकि त्रिवेणी शक्ति जो है वो निश्चित रूप से इन तीनों की जो उसमें शक्ति सम्मिलित होगी वो इनसे भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र हो जाएगा।
तो ये था सिंपल सा बात की जिसका प्रयोजन होता है उसी हिसाब से अस्त्र या शस्त्र की शक्ति होती है। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि अगर इंद्रजीत मेघनाद यानी कि और कुंती पुत्र अर्जुन में युद्ध होगा तो कौन हारेगा, वो भी ये भी वही बात है कि कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, यह प्रश्न थोड़ा सा उससे अलग है क्योंकि यहाँ पर आध्यात्म कार्य नहीं करेगा, यहाँ पर शक्ति काम करेगी। निश्चित रूप से यहाँ पर इंद्रजीत मेघनाद जीत हो उसकी जीत हो जाती। कारण यह है कि कुंती पुत्र अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे, इसीलिए वो युद्ध जीत रहा था। अगर वो उसके साथ नहीं होते तो कर्ण के हाथों ही अर्जुन की मृत्यु हो जाती। यहाँ पर इंद्रजीत के पास में तीनों महाअस्त्र थे, यानी ब्रह्मास्त्र भी, पाशुपतास्त्र भी और नारायणास्त्र, तीनों अस्त्र उसके पास उस वक्त मौजूद थे। तो इस दौरान से अगर देखा जाए, और इसके अलावा दूसरी बात यह भी थी कि मेघनाद में अत्यधिक तपोबल था, जितना तपोबल अर्जुन के पास नहीं था, क्योंकि मेघनाद के पास एक सती स्त्री भी थी और वह इतनी बड़ी सती थी कि जब तक वह जागती रही तब तक मेघनाद को कोई भी नहीं मार सकता था, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, रामायण की कहानी सबने सुनी हुई है। तो इस आधार पर अगर फैसला किया जाए कि कौन, अगर दोनों में युद्ध हो और कोई किसी की कोई विशेष व्यक्ति सहायता ना करे, तो निश्चित रूप से मेघनाद ही जो है अर्जुन को हरा देता युद्ध में और निश्चित रूप से उस पर विजय प्राप्त कर लेता, क्योंकि उसकी शक्तियां बहुत अधिक थी और वह सच में विजेता था। यहां तक कि भगवान राम ने भी स्वयं उनसे युद्ध नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पीछे जो उनकी पत्नी खड़ी हैं वो महान सती स्त्री है। इसके अलावा स्वयं मेघनाद भी पूरी तरह से संयमी पुरुष था, उसमें कोई भी गलतियां नहीं थी, या यूं कहे कोई गलत उसने कर्म नहीं किए थे, और उसने इतना अधिक तप किया था माता का कि उसके पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां मौजूद थी। इसलिए अगर कंपेरिजन के हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से इंद्रजीत मेघनाद ही अर्जुन से युद्ध में जीत जाता। अगला सवाल है, गुरु जी, इस ब्रह्मांड में अष्ट सिद्धियों से बढ़कर और कोई सिद्धि है या नहीं? बात सिद्धि और सिद्धि के लक्ष्य की होती है, सिद्धियों को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। निश्चित रूप से अष्ट सिद्धियां सर्वोत्तम हैं, इनसे बड़ी सिद्धियां नहीं होती हैं, इसीलिए अष्ट सिद्धियों को सबसे ज्यादा उनका बखान किया गया, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन मोक्ष से बड़ी सिद्धि कोई सी नहीं होती। सबसे बड़ी परम सिद्धि जिसको कहा जाता है उसको हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर इन छोटी मोटी सिद्धियों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में रहने वाले किसी जीव प्राणी या किसी भी रूप आकृति वाले का जो स्वरूप है वह उस वहां की कंडीशन के हिसाब से वह अपनी सबसे उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करने के लिए सिद्धियों की आवश्यकता को देखता है। लेकिन अगर हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं या परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं, क्योंकि जब आप सीधी सी बात है, अगर समुद्र परमात्मा है और हम पानी की एक बूंद है, तो जैसे ही पानी की बूंद उस समुद्र में गिरेगी वो समुद्र हो जाएगी, और जब वो समुद्र हो जाएगी तो वो अपनी विशालता अपनी शक्ति में सर्वोच्च होगी, वो स्वयं करोड़ों सिद्धियों को पैदा करने वाली शक्ति होगी, वह सिद्धियों जैसी छोटी चीजों में नहीं होगी, क्योंकि सिद्धियां उसके सामने नहीं होंगी बल्कि वह खुद सिद्धि पैदा करने वाली शक्ति होगी, वह इच्छा अनुसार कोई नई सिद्धि पैदा कर सकता है जो किसी भी सिद्धि से बड़ा होगा। तो इन सब में सबसे उत्तम और सर्वोत्तम सिद्धि अगर माना जाता है और कहा जाता है, परम मोक्ष ही सबसे बड़ी सिद्धि कहलाती है, और मानव का सबसे बड़ा उद्देश्य भी मोक्ष ही होता है। सिद्धियां तो केवल भटकाने के लिए हैं, जीवन में आपको भटका देती हैं, और आप अपने जो मूलतम लक्ष्य है जिसको हम परमात्मा का स्वरूप धारण करना है या यूं उसमें जाकर मिल जाना है, उसके चरणों में पहुंच जाना है, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर देखी जाए बात कि अष्ट सिद्धियों से बढ़कर कोई सिद्धि है तो वो मोक्ष ही है। अगला सवाल आपने पूछा है कि अर्जुन ने जब उर्वशी को माँ के रूप में देखा तो उर्वशी ने अर्जुन को किन्नर होने का श्राप दे दिया था। मैं कंफ्यूज हूं कि माँ रूप में सिद्ध किया जाए या पत्नी रूप में। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सोचने वाली बात है कि अभी जब आप किस शक्ति की पूजा कर रहे हैं, जिस शक्ति की पूजा कीर्तन की जाती है उसके भी स्वरूप रूप और उसके गुणों को देखना पड़ता है। उर्वशी का मतलब नहीं है यहाँ पे कोई भी अप्सरा, आप उसकी अगर सिद्धि कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका स्वरूप क्या है, वो प्रेम और सौंदर्य की अगर देवी है तो उसको आप प्रेमिका के रूप में वो आपके लिए सर्वोत्तम है, पत्नी के रूप में सर्वोत्तम है। हालांकि पत्नी और प्रेमिका में अंतर आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं अप्सराओं की बात करूं तो वो पत्नी से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेमिका के रूप में है, आपके मित्र रूप में या आपकी प्रेमिका के रूप में उनका रूप स्वरूप ज्यादा अच्छा माना जा सकता है, पत्नी से भी ज्यादा, क्योंकि पत्नी के रूप में वो बंधन में आ जाएंगी और बंधन किसी को भी ऐसी शक्तियों को स्वीकार्य नहीं होता है।
वो आपकी मित्र के रूप में, आपकी प्रेमिका के रूप में, यानी कि अगर वो भोग भी आपके साथ करती हैं तो वो भोग करके फिर कहीं भी किसी भी लोक में वापस जा सकती हैं, अपने कार्यों को संपादित कर सकती हैं और आपसे जुड़ी भी रह सकती हैं। तो मित्र या प्रेमिका के रूप में सर्वोत्तम है, माँ के रूप में इनका भजन किया जा सकता है, इनको सिद्ध भी किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, जो जैसा स्वरूप का होता है उसके विपरीत अगर कार्य आप उससे करेंगे या उससे संबंध उस तरह का बनाएंगे तो फिर आपको हर वक्त सचेत रहना होगा, वरना वही हाल होगा जो उर्वशी और अर्जुन के बीच में हो गया था। अगला सवाल आपने पूछा है कि आपने गुरु मंत्र का 9 लाख जाप करने के बाद कोई भी साधना करने को बोला है, अगर हम इसे 1.25 लाख का संकल्प लेकर और 9 लाख यदि पूरा कर लें तो माने होगा या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से जितना संकल्प लिया जाता है उतना ही माना जाता है, तो 9 लाख का ही संकल्प आपको लेना है। लेकिन 9 लाख का संकल्प इस तरह से लेना है कि मैं ये संकल्प पूरा करूंगा, ये नहीं कि मैं इतने दिनों में पूरा करूंगा, क्योंकि हाँ, प्रतिदिन के हिसाब से संकल्प लीजिए कि आज मैं इतना जाप करूंगा, आज मेरा जाप की संख्या इतनी, यानी कि आज जैसे आप मान लें 11 माला जपना चाहते हैं या 21 माला, 51 माला या 90 माला या 100 माला जपना चाहते हैं, तो आप जब संकल्प लेंगे तो उस दिन का, तो संकल्प में यही कहेंगे कि आ माता, मैं आज मैं इतने संकल्प लेना चाहता हूँ, इतनी पूजा मैं करना चाहता हूँ, फिर उतनी आपकी पूजा करनी, फिर अगले दिन ऐसे ही, और ये सब जोड़ते हुए चलना है, ये सब जोड़ते चले जाएंगे। और फिर 3 दिन पे, 7 दिन पे या 15 दिन पे आप हवन कर सकते हैं, या प्रतिदिन भी हवन कर सकते हैं, या फिर पूरा जाप हो जाने के बाद भी उसका दशांश हवन कर सकते हैं, तभी वो 9 लाख पूरा करना है। 9 लाख जब आप पूरा कर लेंगे तब आप कोई भी तांत्रिक साधना कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी जो है इस बात से हमेशा के लिए हट जाएगी कि आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए कोई मौजूद नहीं है, आपके साथ गुरु शक्ति सीधे खड़ी हो जाएगी आपकी रक्षा के लिए। इसलिए आपको किसी भी साधना में, चाहे वो कितनी भी भयानक तांत्रिक तामसिक साधना है, आपकी रक्षा सुरक्षा आपकी गुरु भक्ति, आपका गुरु मंत्र करेगा, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। इसलिए मैं पहले से कहता आया हूँ कि 9 लाख मंत्र जाप पहले कर लीजिए, उसका दशांश हवन कर लीजिए, उसके बाद ही कोई भी तांत्रिक साधना में उतरिए। इसके अलावा गुरु मंत्र की वजह से आपकी गति नहीं बिगड़ती। अगर आप कोई पिशाच प्रेतनी भूतनी अगर ऐसी कोई साधना सिद्ध कर लेते हैं और उसके बाद वो हमेशा आपके से जुड़ जाती है, क्योंकि सिद्धियों के चक्कर में आदमी फंस जाता है, उसे सब कुछ वो देने लग जाएगी, तो फिर वो बड़ी साधना व्यक्ति क्यों करेगा। तो इसलिए ऐसी साधनाओं में भी नुकसान नहीं होता है और वो सत्य सदैव आपके दासी की तरह आपके सामने हमेशा काम करती हैं, और जब चाहें आप उनको विदा भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो मोक्ष की राह है या स्वर्ग लोक जाने की जो राह है वो कभी हटे नहीं। इसीलिए ये दुर्गुरु मंत्र पूरी जिंदगी जपने के लिए कहा जाता है। अगला सवाल आपने पूछा है, गुरु जी मैंने नवरात्रों में गुरु मंत्र का 1.25 लाख जाप करने का संकल्प लिया था, हुआ यह कि 7 दिन तो बड़े अच्छे से कट गए, 8वें दिन के वक्त आंख नहीं खुली, जाप करते समय बहुत तेज नींद आ रही थी, उबासी आने का इसका कारण क्या है? तो आपको पता ही होगा कि जब भी नींद आने की समस्या आती है बहुत ज्यादा, और शक्ति मंत्रों में, माता के मंत्रों में ये विशेष रूप से होता है। क्यों होता है? सीधी सी बात है, क्योंकि माँ की जो शक्तियां हैं इस कलयुग में सोई हुई हैं, उनको जगाना पड़ता है। जब वो शक्तियां जागती हैं तो सब कुछ करने का व्यक्ति में सामर्थ्य आ जाती है, लेकिन उन्हें बराबर जगाना होता है। इसी कारण से साधक को नींद, उबासी और एक प्रकार से ऐसी चीजें होती हैं उसके साथ कि उसका शरीर पर स्वयं का कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसी उसके साथ घटनाएं बार बार घटती हैं, क्योंकि माता की शक्ति जब उसके अंदर आती तो वो स्वयं सो रही हैं। इसीलिए कहा जाता है, जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धिम कुरुष्व में, यानी कि हे माता जागो, मैं इस मंत्र की सिद्धि करना चाहता हूं। तो आप बार बार ये जो कहते रहते हो, इसीलिए कहना पड़ता है बार बार कि हे माँ जाग जाओ, आपको मंत्र की सिद्धि करने वाला हूं, आपको पूज रहा हूं, आप जागिए, अपने मंत्र के माध्यम से आपको जागना होगा, तभी मुझे सिद्धि मिलेगी, तभी मैं इस सिद्धिया व्यक्तित्व को कर पाऊंगा। इसीलिए क्या होता है कि वो जब आप जैसे जिसका स्वरूप के धारण करते हैं वैसे ही आपके स्वरूप में गुण संस्कार पैदा होने लगते हैं, तो उन्हीं गुण संस्कारों का असर है जिसकी वजह से आपको तेज नींद आती है, इसी की वजह से उबासी आती है, इसी की वजह से मन कहीं नहीं लगता है, जब सोने जाते तो नींद नहीं आती, लेकिन जब पूजा करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न, अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।